और अभी टाइम और टाइम Welcome back to the channel, everyone. My name is Vasu and you are watching the Mountain Guy. So right now we are at Bhavali and हाल देखो क्या है. तो काफी ज़्यादा snowfall हुआ है और अभी हम हैं यहाँ पर भवाली में जा रहे हैं कौसानी को. तो काफी ज़्यादा बर्फ गिरी पड़ी है. So let me introduce my friends. तो आजा भैया आजा इंट्रोड्यूस कर लो अपने आपको. हाय आई एम हरेंद्र. हाय ऋषभ. हाय आई एम चंद्रशेखर. और दो हमारे यहाँ पर बिजी इंसान काफी भास्कर. तो अभी अभी हम लोगों ने दो गाड़ियाँ कर रखी हैं, मतलब अपनी है. एक गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी आगे खड़ी है जो कि आसाम की है. वो लोग बाहर निकले नहीं है क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो रही है. सो आई विल कीप यू अपडेट कि कैसा कैसा है. शायद अभी और स्नोफॉल होगा यहाँ पर. तो लेकिन अभी हमें जाना बहुत दूर है तो बस निकलते हैं यहाँ से. अच्छा तो ग्रुप में एक होता है जो सबसे लेट आता है, ये भाग रहा है, ये है चंद्रशेखर. हमें हमारा जो हम लोगों का जो प्लान था वो था 5 बजे निकलने का और एक ही बंदा है जो लेट आया वो है चंद्रशेखर. 1 घंटा लेट आया है पूरा 1 घंटा. लेकिन और लेकिन गाड़ी कमा के आया पत्थर उठा के. और एक बात है कि ये पत्थर उठा के आया है. कितने पत्थर उठाए तूने आए होंगे 10-12 अभी आगे भी गिरे उठाएगा बता. केड़ी जगह चाहे पा खैरना इतना हंसा रहा है ना, मतलब मत खाना किसे थे की खाना सी थे बताओ. तुम बताओ क्या मिलेगा. छोले भटूरे आलू पराठा मिलेगा इधर पे. केड़े छोले भटूरे हम लगा के आए नहीं सवेरे सवेरे दाम की थोला आ में. जगहों को मत खेलना. सो दो दो तो दो लोगों को हम इंट्रोड्यूस कराना भूल गए थे. ये है धर्मेंद्र जो कि हमारे साथी है और बॉडी बिल्डर साहब. तो अभी हम दिख रहे हैं खैरना में ब्रेकफास्ट के लिए बस. तो हमने ऑर्डर किया था छोले भटूरे. भटूरे का साइज देख रहे हो सही फोटो लिया. और ये खाने को मनसा नहीं रहे. क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो भटूरे, क्यों नहीं खा रहे हो. बहुत कैलोरीज है. ये देखो दूसरा वाला आ गया. ऐसा लग रहा है कि अबे तुमने ज्यादा तो नहीं ऑर्डर कर दिए. कितने ऑर्डर कर दिए, 3 कर दिए ना भाई. ये प्लेट में रख, ऐसे लग रहा है कि 3 जने मिलके एक एक खाएंगे. तू अपनी बात मत कर. अरे मिठाई भी रखी है तेरे लिए, वो खा लेना. बहुत ज्यादा मीठी है ये भाई. कितना गरे, कितना बड़ा वाला दे रहा है. मिठाई भी रख के लेके आया उसके लिए. खाली दो. तू इतनी हसरत भरी निगाहों से क्या देख रहा है, खाता क्यों नहीं आगे. है बन खाएगा बस. रूम खराब मत करना. करो करो मजाक बहुत. सो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं और होटल का नाम है हमारा विशाखा पैलेस. कुछ लोग पहले ही पहुंच चुके हैं और जो पहाड़ों में स्नोफॉल हुई है उसका मजा ले रहे हैं. हाउ आर यू फीलिंग. वेरी ऑसम, वेरी नाइस. कुछ बताना चाहेंगे. नहीं अभी नहीं, बाद में. और हमारा ये बंदा एक थोड़ी देर क्या टाइम पास कर रहा था. क्या क्या किया. मैंने चाय बोला. बंदरों से डर रहा था और क्या.
तुम लोग इसको बोल, मैं उनसे मिल के आता हूँ। सब कुछ लोग हमारे पहले ही पहुँच चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस था। चंद्रशेखर, ये हमारा सबसे लेट करने वाला लड़का, कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो सर कैसा एक्सपीरियंस था पहुँचने का? एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, बस कहीं कहीं पर हरेंद्र जी ने थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर दी थी। क्या दिक्कत पैदा कर दी है? आ रहे हैं हरेंद्र जी, ये क्या बता रहा है लड़का? थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। क्या बता रहा है लड़का? क्या कह रहा है ये? कहीं कहीं पर गाड़ी दूसरे में ही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से गियर में है, तो थोड़ा झटके झटके दे देते, बाकी तो ठीक था मामला। आइए क्या, क्या 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 कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे ये है कि इन्होंने हमें मिस गाइड कर दिया। अभी हम इन्हें ट्रैकिंग कराएंगे। अच्छा कहाँ? रुद्रधारी। कहाँ वो? कहाँ से है यहाँ से? वो अभी हम यहाँ से कौसानी जाएंगे, कौसानी से रुद्रधारी के लिए रोड कटेगी। टाइम है इतना हमारे पास? हाँ आराम से, मैंने उनसे बात भी कर ली, रोड भी सही है, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाओ। चलो देखते हैं। सो वी विल कीप यू अपडेट गाइस, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो गाइस ये है हमारा होटल का रूम, काफ़ी डिसेंट सा है, ये बेड है और ये वॉशरूम एंड ये यहाँ से इसकी बालकनी है, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। सो इन केस यू आर कमिंग हियर डेफिनेटली ट्राई इट। हम पहुँच अभी हम जा रहे हैं रुद्राधारी, एक टेंपल है यहाँ पर उसके लिए, और साथ वाले सब मजे कर रहे हैं, फाइट चल रही है, फाइट चल रही है। और हमने एक लोकल, अरे अरे अभी हमने एक लोकल गाइड ऑफर किया। और हीरो तेरा नाम क्या है बता? विनोद कुमार। विनोद कुमार, तो विनोद कुमार जी हैं हमारे लोकल गाइड, ये बताएंगे हमें। तो क्या है कि लोकली गाइड होना एक अच्छी बात है, वो बताएगा कि भैया क्यों फेमस है, क्या है करके हैं। तो इस साथ वाले बिल्कुल लगे हुए हैं, अरे हो गया भैया बर्फ। अरे यार अबे नीचे ना तो ना ना पड़ी Now we have started our ट्रैक। तो यहाँ से एटलीस्ट हरेंद्र जी क्या कर रहे हो यार, ये ऐसी गंदी हरकतें? अच्छा हरकतें कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ट्रैक हमारा शुरू हो चुका है जो कि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का है, और अभी टाइम और टाइम बेटा मुझे पता था तू बैठा होगा यार, दे आर यूजिंग मी एज अ शील्ड है, मैं जा रहे तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो द ट्रैक हैज बीन स्टार्टेड नाउ, एंड जो ट्रैक का है वो है 5 किलोमीटर का, और पूरा कच्चा रास्ता है, पूरी चढ़ाई है, और इस हमारा हाँ अभी बिल्कुल सही पड़ा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यहाँ पहले भी आ चुका है, द लेडीज मैन, लेडीज मैन तू है तो साले, नाम तो बेइज्जती मत करो, बेइज्जती क्या ना करो, देर करता है। अच्छा ये बता चंद्रशेखर, तू पहले भी आया हुआ है तो बता इसके बारे में कि हम यहाँ से कितना किलोमीटर है। देखो हम लास्ट टाइम में आया हुआ था इधर पे, लेकिन हम पहले गए थे एक पिनाद है इधर, वो बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो हम पहले पिनाद गए थे उस वाले रास्ते से, वापस आते हुए लौटते हुए हम रुद्रधारी आए। लेकिन इस रास्ते की एक खास बात क्या है पता है? इस रास्ते की एक खास बात और सबको सावधान रहने की एक सावधान रहने की हिदायत क्या है पता है? यहाँ जॉक लगती है, और जॉक मतलब जॉक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीच। हाँ लीच लगती है यहाँ पर। Thank you.
we have reached the temple finally. कैसा लग रहा है? बस बढ़िया. बर्फ काफी पड़ी है. अरे हरिंदर जी को छोड़ दो भैया, कितना बर्फ डालोगे उन पे? So guys, this track is all about the temple, which is रुद्रधारी temple. तो अभी ना इसकी history बताएंगे हमारे जो गाइड साहब है. गाइड साहब कहाँ गए? गाइड साहब इधर आओ, आओ. तो जो टेम्पल है वो बेसिकली वहाँ पर है नीचे, उस जगह पे. हाँ भैया बताओ इसका हिस्ट्री क्या है. यहाँ रुद्रधारी, यहाँ पर कौशिक ऋषि ने तपस्या की थी. हाँ. कौशिक ऋषि के नाम से कौसानी और कोसी नदी पड़ा है. अच्छा. हाँ, पहले जो ये वाटरफॉल है यहाँ पर पहले दूध आता था. अच्छा. हाँ, फिर जो यहाँ के स्वामी सुदानंद जी महाराज ने फिर उस दूध से खीर बना के खाया, फिर पानी हो गया. अच्छा. हाँ, ये 5 पांडवों ने बनाया था ये मंदिर. अच्छा. हाँ, पहले और इसके टॉप में पिनाद है उसकी. हाँ, ना हाँ, पांडव छुपे थे जंगल में ऊपर. हाँ, पिनाकेश्वर मंदिर में पांडव छुपे थे. हाँ, यहाँ गुफा, इसके गुफा में महाराज ने यहाँ पर 600 साल तपस्या की. अच्छा. बहुत ऊपर है यार. So guys, the track has been over now and we are heading towards our hotel.